मॉर्निंग का हो रहा है 7:30। हम लोग कल निकले थे कसोल से डायरेक्ट अमृतसर जाने का प्लान था, बट रास्ते में धुंध हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो होटल हिल टॉप, सिंपल सा एक होटल लिया बस 5-6 घंटे सोने के लिए और फ्रेश होने के लिए। बट यहाँ की जो व्यू है, शानदार व्यू है, आप देख सकते हो। हा हा, नींद खुलने के बाद अगर ऐसी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले तो क्या ही कहने। बगल में फिश मतलब कि मछली की का बिजनेस होता है, मतलब कि मछली पाले जाते हैं, मछली पालन होते हैं, वही नीचे से पानी निकल रही होगी, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं। बाकी यहाँ से अमृतसर का रास्ता भी 6-7 घंटे का है। अमृतसर जाऊंगा, कुछ काम है, उसके बाद टाइम मिलेगा तो गोल्डन टेंपल और बाघा बॉर्डर भी जाऊंगा। हिमाचल इतनी खूबसूरत है, सही में हिमाचल इतनी खूबसूरत है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ आपको खूबसूरती और पहाड़ियाँ और अच्छी अच्छी वादियाँ चारों तरफ आपको देखने को मिलती है। दिल्ली वालों के लिए, चंडीगढ़ वालों के लिए, अमृतसर वालों के लिए, और जो नोएडा से सटे हुए जो बॉर्डर है, हरियाणा हो गए, इन लोगों के लिए तो ये जन्नत है। ठीक है, बगल में है, कभी भी गाड़ी उठा के चले आते हैं। मैं झारखंड से हूँ तो मुझे काफ़ी ट्रैवल करके यहाँ पे आना होता है। जोश आएगा तो फिर लेना पड़ेगा ना सर। हाँ, अंदर भी मिल जाएगा, कैमरा अलाव होगा ना। हाँ, कैमरा अलाव है। पैदल जा रहे जोड़। हाँ हाँ, लाहौर 24 किलोमीटर ना। देखो देखो ये बना लो ना। हाँ, बन गई। देखो पीछे कोई रश नहीं था, अभी रश और पड़ना है, ये तो हम टाइम लिया है। के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज
विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़ने वाली लगभग 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी भारतीय सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन सरहदों पर आने वाली हर एक चुनौती का सामना BSF के जवानों ने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। हमने सरहदों की वीरान अंधेरे अपने लहू के चिरागों से रोशन किए हैं। यही जॉइंट चेक पोस्ट अटारी भी BSF के जवानों के शौर्य एवं वीरता की खामोश गवाह है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये JCP अमृतसर लाहौर मार्ग तक बॉर्डर पिलर नंबर 102 के नजदीक स्थापित की गई। भारत स्थित गांव अटारी महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरल श्याम सिंह अटारी की जागीर का एक हिस्सा था। वाघा इसी JCP से सटा एक पाकिस्तानी गांव है। स्वतंत्रता के पश्चात इस चेक पोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 को फहराया गया। 50 के दशक के मध्य में इसकी सुरक्षा एवं निगरानी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई। वर्तमान स्वरूप में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को सबसे पहले सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित करने का गौरव BSF को प्राप्त है। ड्रम की आवाज पर परेड करते BSF के जवानों के सधे हुए कदम, आत्मविश्वास से चौड़ी छाती और उनकी उत्साह से भरी भंगिमा भारतीय गर्व के परिचायक है और हमें इतिहास में गुंजायमान शब्द की याद दिलाती है कि युद्ध के नगाड़े बज उठे हैं, रणबांकुरों ने अपने युद्ध क्षेत्र का चयन कर लिया है और शत्रु का सामना करने का समय आ गया है। तो आइए अपने देश के कोने कोने से आए देशवासियों एवं विदेशी मेहमानों सहित अब हम सब अपने प्यारे देश भारत की